हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 17। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर आधारित न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न को करेंगे। ठीक है, संधारित्रों के संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्न करेंगे। बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लाए हैं, वो भी एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, जेई मेंस, जेई एडवांस, वो लेवल तक जाएंगे, लेकिन पहले जीरो लेवल से करेंगे। ठीक है, हाँ, एक ही पार्ट में नहीं हो जाएगा, इसका दो तीन पार्ट जरूर आएगा, न्यूमेरिकल का याद रखिएगा। चलिए भाई जी, स्टार्ट किया जाए। हो इससे पहले अगर आप लेक्चर नंबर 16 यानी कि 16 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है वहां से देख लीजिए, और नहीं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ वहां से देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आज का न्यूमेरिकल आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी हम रिवीजन करा देते हैं, पिछले वाले लेक्चर का रिवीजन पहले कराए थे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, पहले न्यूमेरिकल रिवीजन कराए थे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, जो कैपेसिटर को हम लोग जो कॉम्बिनेशन किए थे ना, जो संधारित्र का जो संयोजन किए थे, वो दो तरीकों से किए थे, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में, एक सीरीज में किए थे और एक पैरेलल में किए थे। तो पहले हम देख लेते हैं इन सीरीज, इन सीरीज हिंदी में क्या कहते हैं इसको, श्रेणी क्रम में। ठीक है, चलिए तो श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़े थे कैपेसिटर को, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं कैपेसिटर C1 है, कैपेसिटर C2 है। अब हर जगह हम ये नहीं देंगे कि ये प्लस प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में है, ठीक है, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, की ये उतारना शुरू कर दी, क्या करना दिया, बोलो C इक्विवेलेंट क्या होगा अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो। श्रेणी क्रम में अगर कैपेसिटर को हम जोड़ेंगे तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, खराब क्या होगा, एक बटा C1 प्लस एक बटा C2 सीधे, कि एक बटा सी इक्विवेलेंट बराबर एक बटा C1 प्लस एक बटा C2, एक बटा सी इक्विवेलेंट बराबर एक बटा C1 जोड़ एक बटा C2। हमने बता चुका है कि भाई साहब कहां पर चार्ज समान होगा और कहां पर चार्ज डिफरेंट होगा, कहां पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर समान होगा और कहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, भिन्न भिन्न होगा, वो आज फिर बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, ये बात तो पच गया होगा आप लोगों को, ये आपको पता नहीं कि श्रेणी क्रम में है, क्योंकि रास्ते नहीं बदल रहे हैं, रास्ते नहीं बदलेंगे मतलब ये श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। बैठ जाइए, आते ही लिखना शुरू कर दी, घर कति करती है, भूल गए भाई साहब, ऑफलाइन क्लास चल रहा है। ठीक है, तो ऑफलाइन मजा आ रहा है, आप लोगों को लगेगा कि आप लोग भी कोचिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सीरीज में जोड़ा इसको, किसको, कैपेसिटर को, तो आई दुइये को ना था, तो एक बटा सी इक्विवेलेंट बराबर एक बटा C1 जोड़ एक बटा C2। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी हमें निकाला था, सी इक्विवेलेंट का निकाला था, क्या निकाला था, C1 गुना C2 बटा C1 जोड़ C2, ऐसा निकला था ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने निकाला था पिछला लेक्चर 16 में। यहां निकालेंगे तो आज न्यूमेरिकल नहीं करा पाएंगे, इसलिए यहां नहीं निकालेंगे। ठीक है, अगर हम ये भी बोल दे कि बुआ अगर हम समान समान अगर जोड़ देते हैं कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, अगर सब इक्वल कैपेसिटर है, सब इक्वल कैपेसिटर है, एन गो इक्वल कैपेसिटर, बहुत कैपेसिटर है, सबका कैपेसिटेंस जो है कितना है, सी ही है, मान लीजिए सी ही है, मतलब इक्वल है, तो उसका कोई नहीं बोलेगा, अभी हम है ना भाई, एन इक्वल जी ध्यान लिख देते हैं, एन इक्वल कैपेसिटर अगर हम जोड़ देते हैं, एन गो समान बराबर बराबर एन गो संधारित्र अगर हम जोड़ देते हैं सीरीज में, तो बताएंगे क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, बनाने दीजिए पहले, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, और दूसरा बकर बकर किया कि मार्क अपनी मुंह देंगे उसको। ठीक है,
चलिए तो एन को हम कैपेसिटर जोड़ दिए, कैपेसिटर मान लेते हैं एगो दूगो तीन गो चार गो। सब में सुनिए, सब में जो कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस है, जो संधारित्र की जो धारिता है वो सब में समान है, सब में सी ही है, ठीक है, सब में समान है। तो उसके लिए सी इक्विवेलेंट मतलब संधारित तुल्य, सी हम तुल्य लिख देते हिंदी में, इसको तुल्य कहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम लेक्चर है, खड़ा हो सकता है, बोलो क्या होगा। सी बटा एन, सी बटा एन। अच्छा एन ये बताओ सी क्या है और एन क्या है? सी कैपेसिटर नहीं है, सी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, सी संधारित्र की धारिता है। सी जो है संधारित्र की धारिता, ये कितना धारिता है सो तेज नहीं कीजिएगा आवाज आने लगता है, ठीक है। उसके बाद एन क्या है, एन बताइए क्या है? संधारित्र को जोड़ते हुए न है, खा रहेगी तुम, खड़ा हो, एन क्या है बोलो, बिना पढ़ना खड़े चल कला बचाइए तू सो, अरे बोल खड़ा, अरे खड़ा, एन क्या है बोलो, एन क्या है, खड़ा रहेगी, एन क्या है बोलो, नंबर। तो जोर से बोलना, यहाँ सुनना चाहिए, हम लोग में कला आए हैं, बोलो जोर से, घर जा चुकी थी ये पर्ची लाती होगी, वह तो पूरा टहलका मचा देती होगी घरे। एन क्या है? नंबर ऑफ कैपेसिटर। एन क्या है? नंबर मजाक समझ लिया है, लेट क्या आएगा मतलब क्लास में, मतलब गेट रहेगा, चलो घर से आओ, बेशरम सब कहीं का होमवर्क चेक कराने के लिए सब सारे आदमी आना शुरू कर दिया है। अब तो हम थोड़ा सा तेज है, तू चतुर तो हम महाचतुर, हम सारे आठ बजे से लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, लेक्चर खत्म होने के बाद होमवर्क चेक करेंगे, तुम होमवर्क चेक कराने के चक्कर में लेट जाता है, सब होमवर्क चेक कराने के चक्कर में लेट आता है। तो भाई तुम चतुर तो हम महाचतुर, हम पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे बाद में होमवर्क चेक करेंगे, चलो अब आठ बजे में तो साढ़े आठ बजे ही है, होमवर्क चेक करा देंगे आठ बजे, साढ़े आठ बजे आता है जो होमवर्क ना चेक होगा, देखिए साढ़े आठ बजे स्टार्ट करते हैं, कब होमवर्क चेक करते हैं, इसीलिए तो सब होमवर्क चेक हो जाते हैं साढ़े आठ बजे, इसलिए साढ़े आठ बजे स्टार्ट करते हैं, बच्चा सब अवेयर नहीं करता था, वो का होमवर्क चेक करे, वो का चेक करे, ये चेक नहीं करे, इसलिए पढ़ाने शुरू कर देते हैं, अंतिम में तो सब बच्चा ले रहेगा। आठ बजे पहुंचे ना, आठ बजे हम कहते पहुंचने के लिए, आठ बजे से लेकर के आठ पंद्रह आठ बीस तक के तो होमवर्क चेक हो जाता है, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा। तो एन क्या है भाई? संधारित्रों की संख्या, संधारित्रों की संख्या, नंबर ऑफ कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। कोई दिक्कत? तो ये हुआ, इधर श्रेणी क्रम में हुआ सर, अगर समांतर क्रम में हुआ तब तुम बैठ जाओ लड़की, तुम बैठ जाओ, तुम सुखा रहेगी। अगर इन इनका किसमें हो पैरेलल होता हो, पैरेलल मतलब समांतर क्रम में हो, तब समांतर क्रम में हो। आज भी हम बैठ किए आठ ग्यारह में क्लास चालू की है, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, नहीं आया बच्चा से, तब कहे कि भाई बच्चा से नहीं आया है, मतलब हमको पता चल गया कि सब होमवर्क चेक कराने के चक्कर में आता है, नीचे रुको लाता है, ऊपर नहीं आता रहता है, क्या है कि सबका होमवर्क चेक हो जाएगा तब जाएंगे हम, उन्हें हमारा होमवर्क नहीं चेक होगा। ध्यान दीजिए भाई, आठ बजे पहुंचा कीजिए, आठ से आठ पंद्रह तक होमवर्क चेक करेंगे, आठ पंद्रह से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आठ बीस से। चलिए इन पैरेलल समांतर क्रम में मेरे भाई कैसे जोड़ते हैं, तो हिने ये क्या है कैपेसिटर, ये क्या है कैपेसिटर, ये क्या है, अब दुइयों को जोड़ सकते हैं, हम तीन को ले लिए हैं, ठीक है, और इसमें बैटरी जुड़ा हुआ है सी वन सी टू सी थ्री, ये कैपेसिटर एक एक सी वन हो गया, सी टू हो गया, सी थ्री रिविजन करा रहे, सब पढ़ा चुके हैं उसमें, अगर ये सब आप लोगों को आता है तो स्क्रिप्ट क्या करिए निम्नलिखित लगाइए, बढ़िया बढ़िया। चलिए तो भाई इसका जो सी इक्विवेलेंट होगा, सी इक्विवेलेंट, अच्छा एक पहले बताइए समांतर क्रम में है कैसे पता चला सो बताइए, क्योंकि ना सुनिए,
इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक ही बिंदु पर से है और जो खत्म वाला पॉइंट जो है अंतिम पॉइंट वो भी एक ही बिंदु पर, स्टार्ट भी यहीं से हो रहा है और ना तीनों और खत्म भी यही हो रहा है तीनों, ठीक है। और इसके रास्ता बदल रहे हैं, इसके रास्ता बदल रहे हैं। अगर रास्ता अच्छा, एक चीज एक बात यहां अच्छा पहले इसको बता देते हैं तब बताते हैं इसमें कौन समान होगा कौन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, सी वन जोर सी टू जोर सी थ्री, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आया। अच्छा कैपेसिटर का तो फॉर्मूला याद होगा सबको, सी बराबर क्यू बटा भी। चलिए अगर मान लेते हैं इसमें अगर एन इक्वल कैपेसिटर अगर जोड़ दे तो एन इक्वल कैपेसिटर अगर जोड़ दे इसमें पैरेलल में, ठीक है, जैसे बहुत कैपेसिटर जोड़ दे तो बताइए सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। सब इक्वल होना चाहिए, सब सी सी सी, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल होना चाहिए, समझे। चलिए तो n इंटू सी, वहां था c बटा n, यहां n इंटू सी। एन क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, c क्या है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता है c, बात समझ में आया। अब ये बताइए अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आज के न्यूमेरिकल के लिए, श्रेणी क्रम में जुड़ा है यानी सीरीज में जुड़ा है तो बताइए क्या सेम होगा क्या डिफरेंट होगा। रुक जाइए शांति से रहिएगा, खड़ा हो जाए, रुक 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 रुक, हम बता रहे थे क्या सेम होगा। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो क्या सेम होगा, जोर से बोलना था नहीं जो भी बोलना सो खा रहा हो, इतना देर समय नहीं है पढ़ाए हुए ना, बताओ कैपेसिटर सेम होगा और कैपेसिटर सेम होगा, कैपेसिटर तो अलग अलग है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या सेम होगा क्या डिफरेंट होगा। ए लड़की साहब बोलेगी बकर बकर, हरब से क्या सेम होगा क्या डिफरेंट होगा, बराती में आया है सर जी के भी आ भेले टेंशन ना लो, बराती ले चलो दोसर साल हर और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस मतलब क्यों, कैपेसिटर के चार्ज, चार्ज डिफरेंट की सेम सेम होगा, चार्ज सेम होगा डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट पोटेंशियल। चलिए विक्की कुमार याद है, बहुत बढ़िया है, बैठी बैठी पढ़ क्या आएगा बताया करेगा, जो नहीं पढ़ क्या आएगा उसका कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, खा रहा तू सर बैल सब। बताया था ना हमने कि श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में चार्ज सेम होता है, क्या होता है चार्ज सेम होता है आवेश, प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज सेम होगा, पहला बात। दूसरा चार्ज को क्या कहते हैं हिंदी में, आवेश क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मजाक करने आता है लोग बेवकूफ सब कहेंगे अरे और क्या नहीं आएगा जो पीछे पड़ा, इतना चिल्ला चिल्ला के इतना आसान तरीका से बताए थे कहां कौन समान होगा कहां कौन डिफरेंट होगा। अरे ऑब्जेक्टिव में आता है ये सवाल कि अगर एन कैपेसिटर अगर जुड़े हो किसमें श्रेणी क्रम में तो बताइए डिफरेंट कौन होगा और सेम कौन होगा, पूछता है किसमें डिफरेंट कौन होगा, चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटी से पूछता है, पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में भी, करा बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर जो होगा ये क्या होगा डिफरेंट होगा, डिफरेंट क्या हंसती है मारेंगे परखा उड़ जाएगी, अच्छी आरती है, डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न, डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न, सवाल पूछेगी तो बनेगा नहीं। तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है किसमें कैपेसिटर, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है चार्ज सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, ठीक है, विभवांतर अलग अलग होगा, ठीक है। हर कैपेसिटर का, हर कैपेसिटर का चार्ज सेम होगा, बैटरियों इसमें होता है, आज बैटरिया नहीं जोड़ रहे हैं हम लोग, और इसमें जस्ट उसको आप अपोजिट कर दीजिए अब ना, इसमें चार्ज होगा डिफरेंट, चार्ज क्या होगा डिफरेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा, हिंदी वाला लिख लीजिए क्या कोई दिक्कत नहीं, हमने बताया था कल वाला लेक्चर में नहीं आई,
जब रास्ता बदलता है तब धारा और आवेश बदलता है। रास्ता बदलता है तो धारा, तो रास्ता में बदल रहा है क्या? अभी रास्ता बदल रहा है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। रास्ता नहीं बदल रहा है मतलब धारा और आवेश, आवेश समान रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं बुआ। अब सुनिए, जब बिंदु बदलते हैं तो क्या बदलते हैं? विभवांतर बदलते हैं। तो जब बिंदु बदलेंगे, इसमें बिंदु बदल रहे हैं, सुनो कहां गया रे? जब बिंदु बदलते हैं, इसमें बिंदु बदल रहा है ना भाई, बिंदु बदल रहे हैं। देखिए तुम्हें ध्यान दीजिएगा, इसमें बिंदु बदलते हैं। मान लेते हैं ये जो कैपेसिटर है वो किस किस के बीच में है? ए और बी के बीच में। ई कैपेसिटर जो है बी और सी के बीच में। ई कैपेसिटर ए और बी के बीच में, ई कैपेसिटर बी और सी के बीच में, तो बिंदु बदल रहा है ना भाई। ई सी वन जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर इसका पॉजिटिव प्लेट जो जुड़ा हुआ है ए से, इधर पॉजिटिव प्लेट होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव इधर। सी टू जो कैपेसिटर है इसका पॉजिटिव प्लेट बी से जुड़ा हुआ, अलग अलग है, बिंदु बदल रहे हैं, मतलब यहां पर विभवांतर अलग अलग होगा। दोनों कैपेसिटर का विभवांतर अलग अलग होगा, चार्ज दोनों जगह समान, विभवांतर अलग अलग। यहां पर इस जगह पे बिंदु नहीं बदलना है, अगर इस बिंदु को हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो सी वन भी किससे? ए से जुड़ा हुआ है। सी टू भी किससे? ए और बी के बीच में ही है। सी थ्री भी किससे? ए और बी के बीच में ही है। तो यहां पर लेकिन रास्ता बदल रहा है, देखिए रास्ता यहां से अलग हो गया, ई अलग हो गया, ई अलग हो गया, सबके रास्ते अलग अलग है। तो अलग अलग है तो चार्ज डिफरेंट होगा, यहाँ पे चार्ज अलग होगा, यहाँ पे चार्ज अलग होगा, यहाँ पे चार्ज अलग होगा, लेकिन विभवांतर सब जगह क्या होगा? समान ही होगा। विभवांतर सब जगह क्या होगा? समान होगा। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं रही? हर बार बताते हैं बात को, यानी आइए इसी को, इसको प्रूफ हम लोग किए थे, इसी को ना प्रूफ किए थे। ये किस में है? समांतर क्रम में। चार्ज यहाँ पर क्यू वन है, यहाँ क्यू टू है, यहाँ क्यू थ्री है। पोटेंशियल यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस, यहां भी सब जगह समान है। श्रेणी क्रम में यहां जोड़े थे, श्रेणी क्रम में कहां गया रे? इधर सवाल हो गया, श्रेणी क्रम में कहां जोड़े थे? यह जोड़े थे, यहां एक ही रास्ता था, रास्ता एक ही था ना भाई, तो चार जो क्या है रे? की दिक्कत क्यों हुआ? क्या हुआ रे? काहे गुस्सा रही है? न पढ़े के मन करी छो? बहुत गुस्सा हो छो ना? हमू मास्टर साहब उनके सामने हमू गुस्सा आते था, हमू पप्पा का जोड़े कुल्हाड़ी लेकर के बुआ रहते, बसवाड़ी बांस करते होते, समझे? तो चूल्हे में आँच लगावे के तो बाबू कहो कि न पढ़े, सवाल पूछेंगे जवाब नहीं देगी तो बस गुस्सा बहुत आएगा। हाँ देखिए भाई, इधर देखिए, तो ये एक ही रास्ता है, क्या है? रास्ता सेम है, तो चार्ज समान था लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस समान नहीं था। यहाँ पे अलग विभवांतर, यहाँ का विभवांतर अलग, यहाँ का विभवांतर अलग होगा। ये बात पचा क्या? न्यूमेरिकल किया जाए। अब आइए पहला न्यूमेरिकल हम लोग प्रारंभ करते हैं और शांति से देखिए। पहला सवाल क्या है हम लोग का आज का? पहला सवाल दिख रहा है? आइए, इसमें क्या किया गया है? दो कैपेसिटर लिया गया है। कैपेसिटर कितने हैं? दो है, बैठ जाइए। कैपेसिटर दो है, एक 12 माइक्रोफराड, एक है 4 माइक्रोफराड का। एक 12 माइक्रोफराड का, एक 4 माइक्रोफराड का। हमको नहीं पता है कि श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ये इसको जो है कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा गया है? 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें निकालना क्या है? सी इक्विवेलेंट पहले निकालना है, दूसरा क्या निकालना है? चार्ज निकालना है एट ईच कैपेसिटर। प्रत्येक संधारित्र पर, प्रत्येक कैपेसिटर पर हमको बताना है आवेश कितना है, ठीक है? और पोटेंशियल एट ईच कैपेसिटर, और प्रत्येक प्रत्येक कैपेसिटर पर हमको पोटेंशियल ही बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब चेंज इन पोटेंशियल, मतलब विभवांतर बताना है प्रत्येक कैपेसिटर पर। पोटेंशियल नहीं भाई साहब, पोटेंशियल डिफरेंस लिखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब सुनिए, बैठिए ना, बैठिए ना, कराइए।
ये बताइए कि श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? श्रेणी क्रम में बैठ जाइए। अच्छा तुम बताओ लड़की खड़ा, श्रेणी क्रम में यह है, इसमें सबसे पहले जो काम हम करना है हमको, पहला प्रश्न वो है सी इक्विवेलेंट। अब बताओ इसका सी इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सो बताओ। सी टू, चलिए ठीक है। अगर सी इक्विवेलेंट हमको निकालना है इसका, ठीक है, इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है, देखो ध्यान से भाई देखो, तो कितना होगा, एक बटा सी इक्विवेलेंट बराबर एक बटा सी वन जोड़ एक बटा, और ई तो भाई रेयरर केस है, हमने एक और फॉर्मूला बता दिया कि जब दुई गो कैपेसिटर जुड़ा हो श्रेणी क्रम में तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे विकास भाई बताएंगे, खड़ा हूं स्टैंड अप। C1 into C2 बटा में ना, तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 गुना C2 बटा में C1 जोड़ C2, यही ना भाई साहब? तो भाई साहब ये देखो, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2, इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, तो C1 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 माइक्रोफराड गुने ये 4 बटा में 12 माइक्रोफराड जोड़ 4 माइक्रोफराड, तो 12 चौक 48 बटा 12 4 कितना जाएगा 3 माइक्रोफराड, यानी इन दोनों का जो इक्विवेलेंट जो आया है कैपेसिटर वो कितना मेरे भाई, इन दोनों को तो हम एक और जोड़ सकते हैं ना भाई, ये 3 माइक्रोफराड का आया है, इसमें बैटरिया भी जोड़ा हुआ है, बैटरिया भी जोड़ा हुआ है, बैटरी जोड़ा हुआ है कितना भाई 12 वोल्ट का, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का, कोई दिक्कत किसी को? तो ये पहला प्रश्न का हमारा जो है वो सॉल्व हो गया, पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि चार्ज एट ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज पहले बताइए। तो पहले तो हम भाई ये तो हमको मालूम नहीं है कुछ भी, फॉर्मूला जो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो बुआ तुम बताओ श्वेता चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज कैसे निकालेंगे इसमें से बताओ, चार्ज कैसे निकालेंगे, खड़ा रहो चल ए लड़की तुम खड़ा नहीं स्वार्थी, चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज का फॉर्मूला बता, हाँ सी का फॉर्मूला क्यू बटा भी होता है, उसके बाद क्यू का होगा सी बटा भी, सी बराबर होता है क्यू बटा भी, तो क्यू का होगा सी बटा भी, बाप कौन इंग्लैंड से मैथ पढ़ के आइए रे हैं, अगले लिखी कही कि Q बराबर C इक्विवेलेंट इनटू V लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट क्यों लिखेंगे, टोटल कैपेसिटर को, टोटल कैपेसिटर C इक्विवेलेंट ना, तो Q बराबर मेरे भाई सुनो ना भाई, C इक्विवेलेंट कितना है मेरे भाई 3 माइक्रोफराड, पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, Q बराबर हमारा आ गया 36 माइक्रोकूलम्ब, फराड इनटू वोल्ट कूलम होता है 36 माइक्रो कूलम चार्ज हो गया ये। अब इस ए सुनो 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 इस पर जो जो चार्ज है वो कितना है 36 माइक्रो, लेकिन इस पर ना है प्रत्येक पर बताना है ईच पर, मतलब ये हो पर ई पर कितना है, ई पर कितना है, ठीक है ऋतु खड़ा हो बताओ इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज कितना होगा, दोनों का जो इक्विवेलेंट जो आया है कैपेसिटर उस पर 36 माइक्रो कूलम्ब, इस पर कितना होगा, इस पर कितना होगा, अच्छा ये बताइए, रुको 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 रितेश तुम बताएगा रहे बोलो, दोनों पर सेम क्योंकि दोनों सीरीज में हैं, जब सीरीज में होता है तो चार्ज सेम होता है, इस बात भी याद करना पड़ेगा, तो जो इस पर भी 36 है सुनो, इस पर भी आवेश क्यू ही होगा जो 36 माइक्रो कूलम है, और इस पर भी आवेश क्यू होगा जो 36 माइक्रो कूलम है, तो श्रेणी क्रम में है तो आवेश सेम होगा, बराबर होगा, वो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंट एट ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पर हमको पोटेंशियल डिफरेंट बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस
ना ईच कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच कैपेसिटर ना तीन नंबर सवाल तो ये था वो तो बताइए इस श्रेणी क्रम में पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है कि डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मतलब यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा वी वन यहाँ का पोटेंशियल वी टू यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वी वन यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वी टू होगा तो वी वन बराबर फॉर्मूला मालूम है ना क्या क्यू बटा में सी वन तो सी टू सी इक्वल होगा क्यू बटा में सी वन नहीं मालूम है नहीं आइए बी वन बराबर क्यू बटा यहां का पोटेंशियल अलग यहां का पोटेंशियल अलग यहां का पोटेंशियल अलग चार्ज तीनों जगह सेम श्रेणी क्रम में रुक जाबे आइए अलग नहीं बी वन बराबर क्यू बटा सी वन क्यू कितना है अरे इसी पर निकालना है भाई इस पर क्यू कितना है 36 माइक्रो कूलम सी वन यहाँ का सी वन कैपेसिटर वन कितना है 12 माइक्रो फराड काट देंगे 12 तिहाई 36 तीन वोल्ट यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा तीन वोल्ट आएगा अब पोटेंशियल डिफरेंस टू निकाल लेते हैं मतलब इस कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल है सो देख लेते हैं क्या तो इसका आगा क्यू बटा में सी टू किसी को कोई दिक्कत नहीं क्यू कितना है मेरे भाई 36 माइक्रो कूलम सी टू कितना है 4 माइक्रो फराड 4 नंबर 36 9 वोल्ट हमने उस दिन क्या बताया था कि जो पोटेंशियल यहां होगा वही प्रत्येक कैपेसिटर में क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा वही प्रत्येक कैपेसिटर में क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा बट जाएगा आप समझे क्या तो भाई हुआ ना 9 वोल्ट 3 वोल्ट यहाँ 9 वोल्ट यहाँ ना कितना 12 वोल्ट होना क्या टोटल बात समझ में आया श्रेणी क्रम में रहेगा चार्ज समान रहेगा समांतर क्रम में होगा क्या होगा समांतर क्रम में चार्ज डिफरेंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा ठीक है श्रेणी क्रम में चार्ज समान होता है पोटेंशियल डिफरेंट अलग अलग होता है बनाया अगला सवाल अच्छा आप लोग देखिए बना के सवाल को सवाल नंबर 2 है सवाल नंबर 2 निकाल ये भी किसमें है बढ़ जा किसमें है देखिए नहीं आया तो बेकार है अगर बनाने नहीं आया तो बेकार है भाई पढ़ना इस सवाल नहीं बनाने आएगा अरे क्या बनाने आएगा अरे किसमें है भाई तो इसको मान लेते हैं सी वन है इसको मान लेते हैं सी वन बराबर ये सी टू बराबर ये ठीक है श्रेणी क्रम में है तो हमको मालूम है कि दोनों पर चार्ज क्या होगा सेम जितना चार्ज इस पे उतना ही चार्ज इस पे और श्रेणी क्रम में है तो हमको ये भी मालूम है कि यहां पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा मतलब यहां का विभवांतर अलग यहां का विभवांतर अलग होगा अब हमको सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है कि सी इक्विवेलेंट बताइए दुइये गुना है तो दुओ के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं क्या सी वन गुना सी टू बटा सी वन जोड़ सी टू ठीक है ये ना तो सी वन गुना सी टू तो सी वन का मान 6 माइक्रो फराड और सी टू का मान 12 माइक्रो फराड बटा में 6 गुने में 12 वही ना हो तो कितना हो जाएगा 12 ऊपर गुना में ना होता हो 6 गुने 12 नीचे 6 प्लस 12 तो 12 6 72 बटा 12 6 18 6 72 4 माइक्रो फराड अब ये दोनों का कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट होगा वो एगो तो होगा ना भाई एगो मान लेते हैं दोनों का कंबाइन होकर के एगो बन गया इसका नाम हम रख देते हैं सी इक्विवेलेंट कितना आया 4 माइक्रो फराड कितना आया 4 माइक्रो फराड
और इसमें जो बैटरिया जुड़ल है कितना वोल्ट का बैटरी है भाई? 24 वोल्ट का बैटरिया है। पोटेंशियल डिफरेंस, किसी को कोई दिक्कत? पहला प्रश्न हमारा क्या था? सी इक्विवेलेंट निकल चुका है कितना। दूसरा प्रश्न हमारा जो है वो चार्ज निकालना है, चार्ज एट ईच कैपेसिटर, चार्ज एट ईच कैपेसिटर्स। प्रत्येक कैपेसिटर संधारित्र पर हमको क्या बताना है? आवेश। तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट इनटू में भी, तो सी इक्विवेलेंट कितना निकाल रहा है? 4 माइक्रो फैराड। भी मतलब पोटेंशियल कितना है? 24 वोल्ट। किसी को कोई दिक्कत? गुना कर देंगे 24 चौका 96 माइक्रो कूलम। चार्ज कैसे मतलब कूलम होता है, तो ये हो गया 96 माइक्रो कूलम। इसका जो चार्ज हो गया 96 माइक्रो कूलम हो गया। तो श्रेणी क्रम में इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज और इस पर कितना चार्ज सो बताइए। दोनों पर 96-96 होगा क्योंकि चार्ज दोनों पर समान होता है, सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक मिनट, यहां हो गया आपका 96 माइक्रो कूलम, यहां भी 96 माइक्रो कूलम। जो हमारा तीसरा प्रश्न कहता है पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर। अमन खड़ा हो, अमन रुक जाइए, अमन बताओ दोनों पर हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना होगा, सो बताइए। पहला पर कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? अरे जोर से बोलो, माइक लगाओ। पहला पर 96 पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा पर बोल रहे चुप, दूसरा पर होगा 16। रे तू सीधा रहो ना, तू बता विकास भाई पहला पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा पहला कैपेसिटर पर? मतलब दोनों पर अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। सयाना जी भाई अलग लेना होगा, ठीक है। अमान और सब ठीक है? पढ़ाई छा के रहो, इसी पीछे बैठिया, आगे बैठा दिले कर ले तो महाकाई कर लो तोरा सके। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा सा लिखल ना है आगे बैठे के। देखे दोनों पर अलग अलग पोटेंशियल है, तो V1 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? Q बटा C1। Q कितना है? 96 माइक्रो फराड, माइक्रो कूलम। अब बता में जो C1 है, C1 कितना है? 6 माइक्रो फराड। काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 वोल्ट। क्या हो जाएगा? V2 बराबर क्या जाएगा? Q बटा C2 96 माइक्रो कूलम बटा में 12 माइक्रो फराड, तो 12 8 96 8 वोल्ट। तो ए सुनो, यहाँ 16 वोल्ट है, यहाँ 8 वोल्ट, तो दोनों मिला के होना क्या 24 वोल्ट। अच्छा जहां पर कैपेसिटेंस का मान अगर ज्यादा होता है वहां पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, होता है ना? देखिए यहाँ पर कैपेसिटेंस का मान ज्यादा था, पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट आया। यहाँ कैपेसिटेंस का मान कम था, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आया। यहाँ पर कैपेसिटेंस का मान ज्यादा था, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट आया। यहाँ पर कैपेसिटेंस का मान कम था, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आया। चलिए ये बात को भी गौर कीजिएगा। आइए एक प्रश्न को कर लेते हैं, उसके बाद और प्रश्न सब करेंगे समय देख करके। इसमें भी सी इक्विवेलेंट निकालना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है, ठीक है। दुइयों का सवाल है। अच्छा पहले का टोटल चार्ज वो होगा करेगा, टोटल चार्ज भी निकालना है, तब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। चलिए शुरू किया जाए। आइए तो आप लोगों को एकदम ये क्लियर मालूम हो चुका है कि ये जो कैपेसिटर जोड़ा गया है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है कि समांतर क्रम में, क्लियर मालूम हो चुका है। प्रश्न संख्या ये 3 है, प्रश्न संख्या ये 3 है।
क्लियर मालूम हो चुका है मेरे भाई? अच्छा सवाल हमको निकाल के देना है, यही निकाल के देना है। चलिए तो सबसे पहले थोड़ा यहां ध्यान दीजिए कि अगर ई पल इसको मान लेते हैं ये C1 है, इसको इसको तो C1 इतना हो गया, C2 इतना, C3 इतना। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वर्जामन संधारित्र की जो धारिता है ना, वो पहला के लिए है 2 माइक्रोफैरड और दूसरा के लिए 3 माइक्रोफैरड और चौथा के लिए है, तीसरा के लिए है 5 माइक्रोफैरड और तीनों को जो है जोड़ा गया है बैटरी से, किससे? 4 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया गया है। अच्छा ये बात मान, अच्छा सुनिए, इसका हम इक्विवेलेंट का वज्र बनाते हैं। इक्विवेलेंट तीनों को जोड़ करके एक बनेगा ना भाई, ये तो मालूम ही है एक बनेगा। यहां पर है बटरिया का है, बैटरी कितना है 4 वोल्ट का है और कैपेसिटर तीनों को जोड़ दिया, ये सी इक्विवेलेंट। अच्छा ये बताइए सुनिए, ये किसमें है? समांतर क्रम में। क्यों समांतर क्रम में? क्योंकि रास्ता बदल रहा है ना, और इसमें जो है एक ही बिंदु से स्टार्ट होकर एक ही बिंदु पर खत्म हो रहे हैं। यहां ऐसा नहीं था कि एक ही बिंदु से यहां से स्टार्ट हुए और यहां दोनों खत्म, नहीं, ये यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म हो गया, ई जो था यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म हुआ, तो दोनों अलग अलग स्टार्ट हुआ अलग अलग खत्म हुआ। और यहां क्या है, यहां ई भी जो है यहीं से स्टार्ट हुआ है यहां खत्म हुआ, ई भी कैपेसिटर है यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म हुआ है, और ई भी कैपेसिटर यहां से स्टार्ट हुआ यहां, तीनों का स्टार्टिंग प्वाइंट और एंडिंग प्वाइंट एक ही है। अब सुनिए सी इक्विवेलेंट, अच्छा ये तो क्लियर हो गया कि किसमें है, समांतर क्रम में। सॉल्व किया जाए सी इक्विवेलेंट के लिए अभिषेक कुमार बता फॉर्मूला। हम हुआ नहीं आया तो तनी जोर से बोलो जो माइक में आ जाए आवाज, हम बोलते तो वहां जाता है कि नहीं जाता है। सी वन जोर सी टू जोर सी थ्री, तो सी वन कितना है 2 माइक्रोफैराड, सी टू 3 माइक्रोफैराड, सी थ्री 5 माइक्रोफैराड, तीनों को जोड़ दिए 10 माइक्रोफैराड हो गया सी इक्वल। भाई साहब हमारा पहला जो आंसर मिल चुका है, पहला आंसर मिल चुका है ना, सी इक्विवेलेंट कितना है मेरे भाई 10 माइक्रोफैराड। दूसरा प्रश्न, सिर्फ हमको चार्ज देना है, सिर्फ चार्ज, चार्ज यानी कि क्यू। दूसरा प्रश्न जो कह रहा है वो हमारा क्यू बताना है, क्यू का मान कोई नहीं बोलेगा, काम नहीं, तुम बोलो, बोलो तो धनी जोर से बोलेगी तो माइक में सुना है। सी इक्विवेलेंट इनटू बी, ये लोगों से पूछ रहा है, मतलब समझिए कि आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग भी बोलिए ठीक है, भले हम ना सुने उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सी इक्विवेलेंट का मान कितना निकला मेरे भाई 10 माइक्रोफैराड, भी कितना है 4 वोल्ट, सॉल्व करेंगे 10 चौका 40 माइक्रोकूलम क्यू, यानी हमारा दूसरा सवाल का आंसर भी आ चुका है। अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात, प्रश्न नंबर 3, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ना, हिंदी में कहते हैं प्रत्येक संधारित्र पर धारिता, सुनिए प्रत्येक संधारित्र पर आवेश न हो आवेश, सुनिए तो बउआ ये तो मालूम है आप लोगों को क्या, विक्की कुमार रह जाओ परीक्षा में, तू ना जब बता दो सके, बर्बाद कर रही हो सके तुम। हाँ वो हम जान रहे हैं, तो कम से कम तू समझ गया तो ओकरो से समझने दो ना, यहाँ देखने दो ना। हाँ तो ई किसमें है, समांतर क्रम में। विकास भाई बताइए यहाँ पे चार्ज सेम होगा कि डिफरेंट होगा? चार्ज डिफरेंट होगा, देखो चार्ज सेम होगा डिफरेंट होगा, सेम होगा डिफरेंट होगा। अरे ये कह दिया है तुमको एक बार में एकदम, कह के आए घुसुक गया है सब दीवार,
ये बड़ी चतुर आदमी है तुम्हारे, इसीलिए कहते तुझे आगे बैठना, देखना कैसे सिखाते हैं तुम लोगों को। पीछे तो बैठता है और वही उसको बताएगा, उसको बताएगा, पूछेंगे तो मतलब रहेगा, बतियाते हुए बैठो। तो चार्ज जो होगा, चार्ज जो होगा प्रत्येक कैपेसिटर पर क्या होगा, अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि इसमें रास्ते बदल रहे हैं। क्या हो रहे हैं रास्ते, देखिए यहां जाने का ई रास्ता हो गया, यहां आने का ई रास्ता हो गया, यहां आने का मतलब यहां पर आने के लिए हम ई रास्ता से भी जा सकते हैं, ई रास्ता से भी, और रास्ता बदल गया भाई। आ इसमें क्या था रास्ते, यहां पहुंचने के लिए ये रास्ता जाते थे, ये रास्ता से, रास्ता एक ही था। अब सुनिए भाई, ध्यान दीजिएगा, अरे प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होगा क्यू निकालना है, तो यहां क्यू अलग, मतलब सर क्या, यहां पर क्यू वन होगा, हाँ यहां पर क्यू टू, यहां पर क्यू, और इसका मतलब जब चार्ज डिफरेंट हो ही, तो पोटेंशियल डिफरेंस समान, यानी कि विभवांतर सब जगह क्या होगा, कोई दिक्कत, बात ही पचा क्या। आइए अगला देते हैं, तो ये अगर Q1 का मान निकालना हो, Q1 का मान निकालना हो, Q1 का मान निकालना हो, तो Q1 बराबर फॉर्मूला हमको नहीं मालूम है, चल लड़की तुम बता। C इक्विवेलेंट इनटू V, एकदम गलत जा, C1 इनटू V, C1 इनटू में ये ना होता फॉर्मूला, किसी को अरे कम से कम सुनो ना, फॉर्मूला जो बताए सही बोले गलती, बिल्कुल सही। C1 का मान बता बुआ, 2 माइक्रो फराड, पोटेंशियल यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा, यहां भी वही, कितना रे भाई, भाई जो 4 वोल्ट यहां है वही इस सब में होगा। अच्छा पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं ईच कैपेसिटर पर, अरे भाई पोटेंशियल निकाल लेते हैं ईच कैपेसिटर पर, निकाला जाए है पोटेंशियल ईच कैपेसिटर पर निकाला जाए, यानी 4 नंबर पोटेंशियल और ईच कैपेसिटर कितना होगा बताओ तो, अभी नहीं बनाया है रुको ना, पहले पोटेंशियल ईच कैपेसिटर मालूम होगा तब ना, सब पर कितना कितना होगा पोटेंशियल, 4-4 वोल्ट सब पे समान होगा, 4-4 वोल्ट ही होगा सब पे कैपेसिटर, यदि पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर जो बैटरी यहां जोड़े है ना वही सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर बराबर है, वही यहां भी रहेगा, ये भी यही यहां भी रहेगा और यही यहां भी, तो मतलब यहां पर कितना दे 4 वोल्ट, 2 चौका 8 माइक्रो कूलम, ठीक है कोई दिक्कत। अभी देखिए टोटल हमको कितना पड़ रहा है, यहां से जो है ना जो Q का मान दिया वो कितना दिया है 40 माइक्रो कूलम गया है, और 40 माइक्रो कूलम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट, बैठ जाइए Q2 का मान बताइए मेरे भाई, C2 इंटू भी, C2 का मान मेरे भाई 3 माइक्रो फराड, पोटेंशियल 4 वोल्ट, 3 चौका 12 माइक्रो कूलम, Q3 बताइए भाई, C3 इंटू भी, यहां लिख रहे हैं रुक जाइए, C3 इंटू भी, C3 का मान 5 माइक्रो फराड, और गुने में भी का मान कितना हो जाएगा 5 चौका 20 माइक्रो कूलम, तीनों मिला करके 40 माइक्रो कूलम हुआ क्या, मतलब जितना चार्ज यहां से ये दिया उतना ही सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। तो पैरेलल में याद करो, मनन करो, मंथन करो अपने आप में कि जब पैरेलल में जुड़ा हुआ हो तो विभवांतर सब में एक ही रंग रहता है, लेकिन जो आवेश का जो मान है वो सब में अलग अलग हो जाता है, और जब सीरीज में जुड़ा हुआ हो तो आवेश सब जगह समान होगा और ये जो विभवांतर जो दिल रहेगा वो अलग अलग हो जाएगा, ये विभवांतर सब में बढ़ जाएगा, ठीक है बात समझ में आइए।
अगला प्रश्न हमारा ये है, कर लेते हैं इसको, उसके बाद होमवर्क में दे देते हैं। कितना मिनट हो गया? अच्छा अभी है समय। ये बुआ ये प्रश्न क्या बोला है सुनिए मेरे भाई, प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे, क्योंकि इसी प्रकार का 2 प्रश्न आप लोगों को होमवर्क मिलने वाला है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, सुनो सुनो सुनो, कह रहा है कि ये सब जो है ना, यहाँ पर बैटरी लगा दिया हुआ है, बैटरिया लगा दिया हुआ है, ठीक है, 20 वोल्ट का है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट कुछ भी लगा दिया, बैटरी लगा दिया। अब इसको दिमाग लगाना है, दिमाग लगाओ और सवाल बनाओ कि भाई कैसे बना। सबसे पहले हमको अंतिम खोजना है, अंतिम किधर है, ठीक है, और देखना है क्या निकालना है, ए और बी के बीच का एक सी इक्विवेलेंट, ए और बी ये ना है, इसके बीच में सी इक्विवेलेंट कितना होगा सो बताना है। तो सबसे पहले बाबा ध्यान दीजिए, तू हमारा लौक क्या रहा है, सुनिए, आप लोगों को लौक रहा होगा तो पता है, लेकिन हमारा लौक रहा है कि ये जो 6 माइक्रोफेरड वाला बात है ना, उस श्रेणी क्रम में हो रहा है, सही है कि है, सही है ना है, क्योंकि एक ही रास्ता है, रास्ता नहीं बदला। अब कहिएगा सर एन से क्या एन घूम के रहे बाकुलर भा, घूमने से थोड़ा रास्ता बदलता है, रास्ता वो है ना है, हाँ यहां से दूसरा एक बार हो जाता तो बदल जाता, एक बार रास्ता होने में चल जाता तब ये और ये रास्ता अलग होता, ठीक है, क्योंकि एक बिंदु पर एक ही रास्ता है। बढ़े आगे, ये दोनों अगर श्रेणी क्रम में है तो दोनों का हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, आए पहले ये बात बचा कि दोनों जो है ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा हमको। आइए, ये हमारा 2 माइक्रोफराड, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट। अब सुनिए सुनिए, सुनिए, ये तो हमने इसको ऐसे ही रख दिया जैसा था वैसे, बस ये दोनों को हमको एक भी बैलेंस चाहिए, तो दोनों के बदला तो हम ये करेंगे ना भाई, दोनों का बदला जो एक होगा वो कितना होगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालिए, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है ना, तो ऊपर क्या होगा, सी इक्विवेलेंट बराबर सी वन गुने सी टू बटा सी वन जोड़ सी टू, 6 गुने 6 बटा 6 प्लस 6, तो 6 × 1 = 36, 6 × 6 = 12, तो 12 × 3 = 36, 3 माइक्रो फराड, तो ये आ गया 3 माइक्रो। अच्छा और कुछ लौका क्या, कहा 3 है, अजा 3 ना है, हो ये वाला 3 है, या देखिए अब कुछ लोक रहा है, क्या लोक रहा है, हमारा बुझा रहा है कि ये जो दोनों है ना उस समांतर क्रम में है, आप लोगों को बुझा रहा था, बोलिए पैरेलल में, पैरेलल बुझा रहा है, देखिए ये एक रास्ता पर था, हमारा बुझा रहा है कि दोनों जो है ना वो पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला तो जरूर करते हैं आप लोग, ये तो हमारा सब ऐसे जानते होंगे। ए आइए इसी को हम कॉपी यहां पर कर लेते हैं, भाई साहब ये दोनों मिल करके एक बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आ दोनों है समांतर क्रम में, तो जैसा ये है तो दोनों मिलकर एक बनाएगा, तो एक हम लिख देते हैं इसी वर्ड जब हुआ, ये दोनों मिलकर के एक वो कितना बनाएगा, दोनों है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जो सी इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है सी वन जोड़ सी टू, कितना हो गया 6 माइक्रोफराड, तो ये भी हमारा हो गया 6 माइक्रोफराड। अच्छा 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 सुनिए 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 वालो, ये नजर आ रहा है कुछ, ये जो दोनों है अलग अलग बुझा रहा है हमारा, आप लोग बुझा रहा है कि
मतलब इधनु एक ही में बुझा रहा है, मतलब श्रेणी क्रम में बुझा रहा है, आप लोग भी बुझा रहा है श्रेणी क्रम में, तो और तीनों तो एक ही रास्ता है ना भैया, एक ही रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ है बैटरी जुड़ा हुआ है, यहाँ है बैटरी जुड़ा हुआ है, यहाँ से रास्ते अलग हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो ई दुनू जो है किसमें है, किसमें, श्रेणी क्रम में। तो बउआ श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला मालूम है क्या, दुनू छ छ है, निकाल लिए है ना यार, तीन माइक्रोफरड, ये दुनू के लिए हमारा हो जाएगा तीन माइक्रोफरड। आइए, फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ ना रे, दो माइक्रोफराड, ई दुनू का जो इक्विवेलेंट होगा, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई दुनू का इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं कितना, तीन माइक्रोफराड। अब आप लोगों को यह बुझाया है, सुनो ना, यहाँ ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, ये नहीं जोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनो ए भाई, सुनो रे ए अंकित, ई दुन्नू जो है किसमें है, समांतर क्रम में, ई दुन्नू का जो इक्विवेलेंट होगा ए और बी के बीच में, वो क्या होगा, पांच माइक्रोफराड, क्योंकि सी इक्विवेलेंट यहां हो जाएगा तीन माइक्रोफराड जोड़ दो माइक्रोफराड बराबर पांच माइक्रोफराड, कोई दिक्कत, यहां से नचाते हुए घुमाते हुए बना दिए। आप लोग पास कॉपी में ऐसे जगह है तो आप लोग नीचे की ओर बनाइएगा, नीचे की ओर, लेकिन ये यहाँ का चिन्ह दे देकर के ताकि लगे कि इससे ये किया है, और इसी बीच में प्रक्रिया भी कर दीजिएगा, ये सब जो आप कर रहे हैं ना वो प्रक्रिया कर दीजिएगा, कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे निकालना है सी इक्विवेलेंट। तो देखिए सवाल, आज का सवाल नंबर होमवर्क वाला, क्या करना है इसको, इसको होमवर्क में कमेंट करना है, आ नहीं तो सवाल नंबर देते हैं पांच, आ नहीं तो भौर पेट खाइया कल कोचिंग मारेंगे कमेंट के लिए भी, या नहीं तो को भी बनाना चाहिए, ठीक है। ये भी सवाल आपको एस डब्ल्यू में भी सवाल नंबर छ, या तो कमेंट कर दीजिए नहीं तो कॉपी में बना रहना चाहिए, मतलब कल खाइएगा भर पेट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कैसा लगा ये लेक्चर, ज्यादा गुस्सा उस्सा आ गया इस लेक्चर में, क्योंकि बच्चा लोग जान बुझ करके 2S में चला गया फिर भी नॉलेज नहीं है, और जब रिजल्ट निकलता है तब मास्टर साहब ना पढ़ रही, मास्टर साहब है 8 बजे कोचिंग है, अब बच्चा आता है कै बजे पता है, 8 बजे कोचिंग है तो 8 बजे का तो होमवर्क चेक कराने के लिए, 8:30 बजे तक सबका होमवर्क चेक हो जाएगा तब आएगा इसको, तब तो क्लास स्टार्ट रहेगा, सर जी होमवर्क चेक करेंगे नहीं, समझे, बड़ा चतुर है, इसलिए आज सवेरे स्टार्ट कर दिए कि बाद में हम अब होमवर्क लोग चेक होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके लेक्चर में, तो इतना गुस्सा बनता है आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके लेक्चर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए, ऑल द बेस्ट।